नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा 19-20 फरवरी को बैठक करने जा रहे हैं। जेडीयू के नेताओं को बुलाया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया है और एक खुले पत्र के माध्यम से बुलाया है कि पार्टी को बचाना है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, नहीं तो मैं तो जेडीयू में 5 रुपए के पर्चे वाला सदस्य बनकर रहने को तैयार हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं जेडीयू से, मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, बीजेपी का नहीं होऊंगा। ये तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू क्या कह रही है? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू कह रही है कि जहां जाना है चले जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, ललन सिंह भी कह रहे हैं और जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा भी कह रहे हैं। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की बात करेंगे। उमेश कुशवाहा का बयान आया है, उन्होंने नैतिकता की दुहाई दी है, नैतिकता की नसीहत दी है उपेंद्र कुशवाहा को और कहा है कि अगर जरा भी नैतिकता है तो एमएलसी की सदस्यता छोड़ दें, एमएलसी का पद छोड़ दें उपेंद्र कुशवाहा। और ये ऐलान भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो 19-20 फरवरी को बैठक बुलाई है, अगर जेडीयू का कोई नेता उस बैठक में शामिल होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने कहा है, उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई सिद्धांत और विचारधारा नहीं है, वे अति महत्वाकांक्षा में अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके बहुत गिड़गिड़ाने पर हमारे दयालु नेता नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद में भेजा और संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मगर उन्होंने इस बार जेडीयू में आने के बाद पार्टी को सिर्फ कमजोर किया। पार्टी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष को है। उपेंद्र की 19-20 फरवरी की बैठक में अव्वल तो जेडीयू का कोई नेता कार्यकर्ता जाएगा नहीं और अगर गया तो उन पर कार्रवाई होगी। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि भला मुख्यमंत्री उपेंद्र से एमएलसी पद छोड़ने को क्यों कहेंगे, अगर उपेंद्र में रत्ती भर भी नैतिकता है तो इस पद के छोड़ने के बारे में वो खुद निर्णय लें। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो जाहिर है ये सवाल था, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया था, एमएलसी का पद कौन सी बुरी बात है। गणित ये है एमएलसी को लेकर कि अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकाले जाएंगे उनकी सदस्यता बच जाएगी और अगर खुद छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो सवाल यह भी है कि क्या इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं जेडीयू में रहेंगे पार्टी नहीं छोड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी की सदस्यता छोड़ेंगे, नसीहत मानेंगे उमेश कुशवाहा की, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बात साफ तौर पर समझ में आती है कि दो कुशवाहा नेताओं के बीच भिड़ंत चल रही है, जेडीयू के दो कुशवाहा नेताओं के बीच भिड़ंत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने जेडीयू ने उमेश कुशवाहा को खड़ा कर दिया है और उमेश कुशवाहा ही मोर्चा संभाले हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ और अब ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा में जरा सी भी नैतिकता बची है तो एमएलसी का पद छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।